तो अभी अभी जस्ट वी हैड अ लंच, दिस इज द बिरयानी ऑन आवर वे, मार्केट है पूरा। सो फाइनली अपने को गेट नंबर मिल चुका है एंड सो हेलो 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 एवरीवन, हाय दिस इज विशाल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये होने वाली है मेरी दुबई सीरीज़ का चौथा पार्ट और ये वाला वीडियो बहुत ही शॉर्ट सिंपल स्वीट सा रहने वाला है। आई होप आप लोग ने पिछले 3 एपिसोड्स देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो वो आपको आई बटन पे मिल जाएंगे एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप लोग जाके पहले वो देख कर आए। सो नाउ कमिंग बैक टू दिस वीडियो, ये वाला वीडियो अभी जैसा आपने पिछले वाली वीडियो पे देखा होगा कि हम लोग मैस्कट से उड़ान भर चुके थे और तब तक शाम हो चुकी थी और ये यू कैन से रात की फ़्लाइट थी या फिर शाम की फ़्लाइट थी फ्रॉम मैस्कट टू दुबई। और मैस्कट जाके अपने को पता चला था कि दुबई और मैस्कट जो है वो सेम टाइम जोन शेयर करते हैं। सो ये आप देख सकते हो, अगर आपको याद हो तो पिछले वाले वीडियो में मैंने मैस्कट को ऊपर से दिखाया था और वहाँ पे छोटे छोटे घर दिख रहे थे बहुत सारे जो टोटली वाइट पेंटेड थे। अब समझ में भी आता है, रेतीला जगह है और बहुत हीट रहती है वहाँ पे, सो वाइट कलर का पेंट वो लोग यूज़ करते हैं ताकि पूरा जो पेंट है वो जो हीट है उसको रिफ्लेक्ट कर पाए और कुछ अब्जॉर्ब ना करे और कंपैरेटिवली कूल डाउन रह सके। तो मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ऊपर से मैस्कट इतना ज़्यादा प्यारा लगेगा। आप देख सकते हो यार ये कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो मैं इस वीडियो में हल्का हल्का वॉइस ओवर करता रहूँगा। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें सो दैट यू कैन ऑल्सो फील कि आप भी मेरे साथ फ्रॉम मैस्कट टू दुबई ट्रैवल कर रहे हो। और अभी आप बाहर का व्यू एंजॉय करो, मैं मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो में थोड़ी देर के बाद। तो ये था ओमान एयर का इवनिंग टाइम स्नैक जिसपे अपने को मिला था ये पोटैटो चिप्स, जिसका पैकेजिंग थोड़ा सा अजीब सा था, ओमान चिप्स लिखा हुआ था इसमें। और ये है एक चिकन सैंडविच जो उन लोग ने हमको दिया था, ये वही पुराना वाला पाउच में भरा हुआ पानी। और मतलब ये काफ़ी क्यूट सा छोटा सा अजीब सा लगता था एंड दिस वॉज द मैंगो जूस। तो बस इतना सा ही था, ऑल्दो ये बहुत छोटी सी फ्लाइट थी सिर्फ आधे घंटे की, बट स्टिल उन लोग ने मील दिया था अपने को तो अच्छा लगा था, अच्छा एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग जो बीच के पास वाला एयरपोर्ट था ओमान का, दैट इज़ मैस्कट एयरपोर्ट, तो मैस्कट एयरपोर्ट के बस बगल से जा रहे थे यहाँ पे। तो ये प्लेन टेक ऑफ के बाद एक पूरा बड़ा सा यू टर्न लेती थी और उसके बाद पूरे मैस्कट के ऊपर से जाती थी। पता नहीं अजीब सा ही एक रूट था इन लोग का मैस्कट से दुबई जाने का, ऑल्दो दिख तो रहा था कि स्ट्रेट जा सकते हैं बट दीज आर आई थिंक जो फ्लाइंग के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो सारे कुछ को दिमाग में रखते हुए इन लोग ने ये रूट डिसाइड किया था। तो यहाँ से हम लोग ऑलमोस्ट समुंदर के ऊपर से देख पा रहे थे पूरे मैस्कट की जो चमकती हुई रोशनी है वो सारा कुछ हमने को दिख रहा था और हम लोग यहाँ से दुबई के लिए रवाना हो गए थे। सो यहाँ से बेसिकली आप लोग को दिख रहा होगा कि हम लोग दुबई का जो एरिया है वहाँ तक पहुँच चुके थे और वो वहाँ पे दूर जो जितनी भी सारी रोशनी दिख रही है वो सारा कुछ सारा दुबई का एरिया है। और ये आई थिंक एक बड़ा सा हाईवे है जो इसको कनेक्ट कर रहा था और मे बी इट वाज अ ब्रिज, मेरे को ठीक से याद नहीं है ये वाला। तो
तो अपने को दूर दिख रहा था, और इतना ये लोग घूम के आए थे क्योंकि रूट एक दूसरा रूट दिखा रहा था अपने को डिस्प्ले में कि वहाँ से भी जा सकते हैं, बट आई थिंक वहाँ पे माउंटेन रेंज के आसपास कुछ वेदर का इशू था जिसकी वजह से ये लोग एक पूरा बड़ा सा टर्न लेकर के आए थे, और हम लोग देख पा रहे थे कि अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन दुबई वहाँ पे दूर दिख रही है। और पहले तो समझ में नहीं आया था, बट लेजेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी थी कंपेयर टू मस्कट, और हो भी क्यों ना, क्योंकि सबको पता है कि दुबई इज़ फेमस फॉर टूरिज्म एंड ऑल दोज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। सो उसी की वजह से अपने को ये पूरा तामझाम दिख रहा था ऊपर से ही। सो यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट लैंडिंग करने के कगार पे आ चुके हैं, और सारा कुछ बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है अपने को। अभी बस थोड़ी टाइम में लैंडिंग करने वाले थे, और अपने को वो टाइम पे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि जस्ट रैंडम डिसीजन था। यहाँ पे शुभो ने कॉल करके बोला था कि ब्रो दुबई जा रहा हूँ, तो आई वाज लाइक हाँ ठीक है मैं भी जा रहा हूँ। देन क्योंकि रैंडम बहुत प्लान्स बने थे उससे पहले कि इंटरनेशनल ट्रिप, वियतनाम, ये वो इधर उधर, बट मेरा किधर भी जम नहीं रहा था। बट जब भी डिस्कशन के एंड में आया कि लेट्स गो टू दुबई, देन इट वाज जस्ट अ इमीडिएट क्लिक कि हाँ चलो चलते हैं, अभी मौका है, अभी जाना है। तो बहुत रैंडम डिसीजन बना था, और सोचा भी नहीं था कि अपना पहला इंटरनेशनल ट्रिप ऐसे कर लेंगे विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस और प्रायर प्लानिंग। वेल, प्लान तो बहुत सारा कुछ किया था, बट फॉर द फर्स्ट ट्राई कि इतना दूर तक चले जाएंगे ये सोचा नहीं था। खैर अब पहुंच गए, और आप देख सकते हो कि लैंडिंग हो रही है। सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू कि आप लोग ने टाइम से मेरे वीडियोस को देख रहे हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो थम्स अप। अगर आपको वॉइस ओवर पसंद आया हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और अगर कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी बताना। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम विशाल साइनिंग ऑफ। डू चेक आउट द एंटायर दुबई सीरीज़। बाय बाय। और मुझे यहाँ पे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि ये वही दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको इससे पहले मैंने सिर्फ नैट जियो के मेगा स्ट्रक्चर्स में देखा था। इतने सारे एमिरेट्स के प्लेन, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग एक साइट था एक बच्चे के लिए जिसने लाइफ में शायद कुछ ना कुछ अचीव किया था उस टाइम तक।